दोस्तों, आपका सिर्फ एक संकल्प आपके पूरे भविष्य को चेंज कर सकता है। अगर आप अपने सपनों की इमारत खड़ा करना चाहते हैं तो स्टार्ट कर दीजिए टफ एंड मैसिव एक्शंस लेना टू चेंज योर बिजनेस एंड लाइफ। हे, आई एम उपेश सिंह। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर शो द मनी शो सीजन 2.0। आई एम हियर टू टॉक अबाउट योर बिजनेस, फाइनेंस एंड मनी। और दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी। कैसे आप अपना प्रॉफिटेबल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं एक ऐसी कंट्री में जहां आपको मिलेगी बहुत सारी अनलिमिटेड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, सुपर ग्रोथ, और आप अपने आप को लेके जा पाएंगे नेक्स्ट लेवल। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं साउथ अमेरिकन कंटिनेंट की कंट्री अर्जेंटीना के बारे में। दोस्तों, ये मिडिल डेवलप कंट्री है और आज जिस कंट्री के बारे में आपको बता रहा हूं उसमें आप मल्टीपल इनकम फ्लो बना सकते हैं, बहुत बड़े लेवल से अपने आप को आगे लेके जा सकते हैं। सिंगल वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी इंडियन कंपनीज वहां जम के पैसा बना रही हैं, किस किस तरह के बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं, बिजनेस की कितनी ग्रोथ हो सकती है, और क्या ऐसा रीजन है कि आप अर्जेंटीना में इन्वेस्ट करें। दोस्तों, अर्जेंटीना की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताने से पहले थोड़ा सा मैं अर्जेंटीना का ओवरव्यू आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों, अर्जेंटीना एक साउथ अमेरिकन कंटिनेंट की कंट्री है। अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनस आयरिस। स्पेनिश नेम है, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट डिफरेंट होता है, हर आदमी अपने हिसाब से करता है। अर्जेंटीना की करेंसी है अर्जेंटाइन पैसो। अर्जेंटीना में लैंग्वेज बोली जाती है स्पेनिश, और अर्जेंटीना की पॉपुलेशन है 4.5 करोड़, 4.50 CR। दोस्तों, साउथ अमेरिकन कंटिनेंट की कंट्री है, मल्टीपल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं। आपने मेरा वीडियो देखा होगा उरुग्वे के बारे में, जो कि अर्जेंटीना के पास की कंट्री है। दोस्तों, कभी भी हम अपना बिजनेस सेटअप करते हैं और अपने आप को नेक्स्ट लेवल लेके जाते हैं तो हमें चाहिए होती है मल्टीपल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, और एक एक्सपेंशन होना चाहिए हमारे बिजनेस में। मतलब अगर हम अपना बिजनेस एक कंट्री में लेके जाते हैं तो नियर बाय 4 to 5 कंट्रीज में आपके प्रोडक्ट जाने चाहिए। दोस्तों, अर्जेंटीना के एक तरफ पड़ता है चिली, बोलेविया, उरुग्वे, पराग्वे, ब्राजील। ब्राजील इटसेल्फ एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट अर्जेंटीना से ब्राजील जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं उरुग्वे, पराग्वे, बोलेविया, चिली, बहुत बड़ा मार्केट है, अर्जेंटीना से आप इजीली उनको कवर कर सकते हैं। दोस्तों, अर्जेंटीना की बात करते हैं तो इंडियन कम्युनिटी की बात करना बहुत जरूरी है। क्या वहां इंडियन कम्युनिटी है? कितने लोग रहते हैं? क्या वहां इंडियन रेस्टोरेंट है? बिल्कुल दोस्तों, सारी चीज अवेलेबल है। 2400 इंडियंस अर्जेंटीना में रहते हैं, मोस्टली अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनस आयरिस में है। इंडियन कम्युनिटी में सिंधी कम्युनिटी बहुत ज्यादा है अर्जेंटीना में। बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स भी हैं, जैसे कि दिल्ली महल, दोस्ताना इंडियन, तंदूर रेस्टोरेंट, बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट हैं। इंडियंस को बहुत अच्छे लेवल से पसंद किया जाता है। दोस्तों, जब भी हम किसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं हमको बहुत सारे क्राइटेरिया देखने होते हैं। क्या वो कंट्री हमारे बिजनेस को करने के लिए इजी है, आसान तरीके से हम एंट्री कर सकते हैं? दोस्तों, वर्ल्ड बैंक की इजी टू डूइंग बिजनेस इंडेक्स में अर्जेंटीना का नंबर आता है 126। 190 कंट्री में से 126वां नंबर आता है। मतलब मिडिल डेवलप कंट्री है और इजीली आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, सिंगल वीडियो में बताऊंगा क्या अर्जेंटीना में बिजनेस करना महंगा है, क्या अर्जेंटीना में आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो करोड़ों रुपए लगाने पड़ेंगे, या बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में आप अर्जेंटीना में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अर्जेंटीना के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कौन कौन सी इंडियन कंपनीज वहां जम के पैसा बना रही हैं और कैसे उन्होंने अपनी मनी मेकिंग मशीन लगा रखी है। दोस्तों, अर्जेंटीना में बहुत सारी इंडियन कंपनीज वर्क कर रही हैं $1 billion के इन्वेस्टमेंट के साथ में। बहुत सारी कंपनीज ने अर्जेंटीना में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इंडियन कंपनीज ने स्पेशली। दोस्तों, इंडियन कंपनीज में नंबर वन आता है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ना केवल अर्जेंटीना में वर्क करती है, साथ साथ इसके साथ में कंट्री पड़ती है उरुग्वे, उसके अंदर भी इनका ऑफिस है। दोस्तों, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि अगर हम
किसी भी कंट्री में अपना बिजनेस डालते हैं तो हम चाहते हैं हमारा बिजनेस इजीली एक्सपेंड हो सके, हम अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल ले जा सके, बेटर लेवल से एक्सपेंड कर सके। उसमें अर्जेंटीना आपके लिए एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, और उसका उदाहरण है TCS। अर्जेंटीना में भी काम करता है, उरुग्वे में भी काम करता है। अगर आपको साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को कवर करना है तो आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है अर्जेंटीना। दोस्तों TCS के अलावा क्रिसिल, ग्लेनमार्क, गोदरेज, बजाज, हीरो, यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड UPL जैसी कंपनीज काम कर रही हैं अर्जेंटीना में। दोस्तों बजाज है, हीरो है, ये बाइक सेगमेंट में है। अगर हम ट्रैक्टर के सेगमेंट में बात करते हैं तो सोनेलिका प्राइवेट लिमिटेड भी आज के टाइम पर ज्वाइंट वेंचर कर वर्क कर रही है अर्जेंटीना में। सोनालिका ने ज्वाइंट वेंचर कर रखा है अपाचे ऑफ सेंताफे अर्जेंटीना कंपनी के साथ, और ये इनके लिए मैन्युफैक्चरिंग करती है ट्रैक्टर्स का। बहुत बड़ा मार्केट है एग्रीकल्चर सेक्टर में, आगे बताने वाला हूं स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में दोस्तों, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में सोनालिका वहां वर्क कर रही है। अगर हम बजाज की बात करते हैं तो बजाज ने भी ज्वाइंट वेंचर कर रखा है कार्बन अर्जेंटीना के साथ। दोस्तों कार्बन अर्जेंटीना प्रोडक्शन और सेल्स में काम कर रही है बजाज के लिए अर्जेंटीना में। बहुत सारी स्मॉल इंडस्ट्रीज भी वर्क कर रही हैं। अगर हम बात करते हैं इसी का रिन्यूएबल फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड की, ये केरला की कंपनी है, 1000 एकड़ एरिया के साथ 10 साल की लीज लेकर एग्रीकल्चर फार्मिंग में काम कर रही है अर्जेंटीना में। दोस्तों इतनी सारी कंपनीज अगर अर्जेंटीना में पैसा बना रही है तो आप भी बना सकते हैं। एक चीज तो क्लियर है, जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनी उस मार्केट को चूज कर रही है मतलब मार्केट बहुत प्रॉफिटेबल है। दोस्तों ये थी इंडियन कंपनीज जो अच्छे लेवल से बिजनेस कर रही हैं। इंडियन कम्युनिटी भी है, इंडियन रेस्टोरेंट भी हैं, और बहुत अच्छी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। अब बात करते हैं ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन से हैं कि हम अर्जेंटीना में ही इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि अगर हमें हमारे देश से बाहर इन्वेस्टमेंट करना है, अगर हमें हमारे देश से बाहर जाना है तो हम कोई भी कंट्री चूज कर सकते हैं जो हमें बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा रही है। दोस्तों ऐसा क्या रीजन है हम अर्जेंटीना में इन्वेस्टमेंट करें? पहली बात दोस्तों, सबसे बेटर स्ट्रॉन्ग पॉइंट, लो इन्वेस्टमेंट कंट्री है, कोई करोड़ों रुपए का आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना। जितना बड़ा प्रोजेक्ट, जितनी आपको जरूरत है उतने पैसे से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहां पर कैपिटल रिक्वायरमेंट की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी अमाउंट फिक्स नहीं है कि 10 करोड़ लगाइए 20 करोड़ लगाइए तो ही आप हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप अपने प्रोडक्ट, अपने बजट और अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, अगर आप एग्रो फार्मिंग में जाना चाहते हैं तो आपको मिल सकता है अप टू 1000 हेक्टेयर फर्टाइल लैंड मोस्ट प्रोडक्टिव एरियाज में। दोबारा बोल रहा हूं दोस्तों, मोस्ट प्रोडक्टिव एरियाज के अंदर आपको मिल सकता है 1000 हेक्टेयर एग्रीकल्चर लैंड, आप इजीली एग्रो फार्मिंग में जा सकते हैं। अर्जेंटीना के अंदर आपको मिलती है डीप एंड ब्रॉड मिडिल क्लास, एक ऐसी मिडिल क्लास जहां आपके सारे प्रोडक्ट इजीली मार्केट में चले जाएंगे, बहुत अच्छी बाइंग कैपेसिटी है, हाईली एजुकेटेड पॉपुलेशन मिलती है। अब दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूं किसी भी कंट्री में जाओ मल्टीपल इनकम फ्लो बनने चाहिए, मल्टीपल इनकम फ्लो, पैसा इधर से भी आए और पैसा इधर से भी आए, हर तरीके से पैसा आना चाहिए। अगर घर से बाहर जा रहे हैं और अगर हमने मिलियंस ऑफ डॉलर नहीं कमाया तो घर से जाने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। अर्जेंटीना के अंदर आपके लिए सारे सेक्टर ओपन है, कोई भी सेक्टर क्लोज नहीं है, सारे ओपन है दोस्तों। मतलब अगर आप अपने सेक्टर में, जो भी आपका सेक्टर है, टूर एंड ट्रेवल, मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, किसी में भी अगर आप अर्जेंटीना में जा रहे हैं और आप फ्यूचर में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो आप किसी भी सेक्टर में अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप गए और आपने अपना बिजनेस डाला और अब आप थोड़ा सा बड़े, आप सोच रहे हम थोड़ा एक्सपेंड कर लें और हम नहीं कर पाए। हमेशा एक आदमी की गलती होती है सिंगल मार्केट को चूज करके बिजनेस करता है, वो सबसे बड़ी गलती है। हमें चाहिए मल्टीपल इनकम फ्लो और मल्टीपल कंट्रीज में मल्टीपल करेंसीज के अंदर पैसा बनाना है। अर्जेंटीना में आपके लिए सारे सेक्टर ओपन है। सबसे बड़ी बात, इक्वल राइट्स है लोकल और फॉरेन कंपनीज के लिए। जो राइट वहां के लोकल अर्जेंटाइन कंपनीज के लिए है वही आपकी इंडियन कंपनीज के लिए भी इक्वल राइट्स मिलते हैं।
दोस्तों इतने सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जब मिलते हैं ना, तो अर्जेंटीना बन जाता है आपकी नेक्स्ट हॉटेस्ट बिजनेस डेस्टिनेशन और आप स्टार्ट कर सकते हैं आपका अपना प्रॉफिटेबल बिजनेस। दोस्तों अब बात करते हैं कौन कौन से बिजनेस में हम जा सकते हैं। अगर हम बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं तो दो तरह की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज होती है, की सेक्टर और हाईली पोटेंशियल सेक्टर। दोस्तों अगर हम की सेक्टर्स की बात करते हैं, एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड में मैंने आपको बताया बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, इंडियन कंपनीज वर्क भी कर रही हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर, ऑटोमोबाइल, एनर्जी, माइनिंग, फूड प्रोसेसिंग जैसे सेक्टर में आप इजीली एंट्री कर सकते हैं, ये की सेक्टर्स आते हैं, इजीली आप मार्केट में जा सकते हैं। आप किसी भी सेक्टर का अपना बिजनेस डालिए, नियरली 4 to 5 कंट्रीज, चिली, बोलीविया, उरुग्वे, पैराग्वे, ब्राजील आपके लिए बहुत बड़ा मार्केट है। साउथ अमेरिकन कंटिनेंट में आप अपने प्रोडक्ट को लोकल से वोकल बना सकते हैं। दोस्तों ये थी की सेक्टर की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। अब हम बात करेंगे हाईली पोटेंशियल सेक्टर, कॉल सेंटर, आईटी इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कंपनीज। कॉल सेंटर और आईटी सेक्टर में आप इजीली जा सकते हैं और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को इजीली कवर कर सकते हैं, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसीलिए TCS है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। दोबारा यहां रिमाइंड कराना चाहता हूं दोस्तों, बहुत सारी कंपनीज $1 billion के इन्वेस्टमेंट के साथ इन्वेस्टमेंट करके बैठी हुई हैं। TCS, क्रिसिल, ग्लेनमार्क, गोदरेज, बजाज, हीरो जैसी कंपनीज वहां जम के वर्क कर रही हैं। दोस्तों की सेक्टर्स में कॉल सेंटर, आईटी सेक्टर एज वेल एज नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट सेक्टर, और एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें आप अगर आपके पास फंडिंग अच्छी है तो बेटर लेवल से जा सकते हैं, हाइड्रोकार्बन्स का सेक्टर। दोस्तों ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, आपको नेक्स्ट लेवल लेके जा सकती है, आपकी सपनों की इमारत पूरी हो सकती है। मैंने शुरू में ही बोला था आपका सिर्फ एक संकल्प आपके पूरे भविष्य को बदल के रख सकता है, और अगर आप अपने सपनों की इमारत को खड़ा करना चाहते हैं तो स्टार्ट कर दीजिए टफ और मैसिव एक्शंस लेना टू चेंज एवरीथिंग इन योर बिजनेस एंड लाइफ। दोस्तों इसके लिए अर्जेंटीना आपके लिए बहुत ही बेटर अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसी कंट्री, मिडिल डेवलप्ड कंट्री, एजुकेटेड पॉपुलेशन, लाइफ स्टाइल आप अच्छी रख सकते हैं और आप अपने आप को नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हैं। दोस्तों ये थी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। अब बात करते हैं हमारे फेवरेट टॉपिक इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, इंडिया से क्या जाता है और इंडिया में क्या आता है। दोस्तों अगर हम इंडिया में से जाने की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिकल्स, गारमेंट्स, ऑटो पार्ट्स, व्हीकल्स, लुब्रिकेंट जैसी चीजें इंडिया से जाती हैं, साउंड एनिमेज डिवाइसेस बहुत अच्छे लेवल से इंडिया से अर्जेंटीना जाते हैं। अब दोस्तों आज हम बात करते हैं अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो हम वहां क्या ला सकते हैं, किस नियर बाई कंट्री को टारगेट कर सकते हैं। दोस्तों साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से आप इजीली अफ्रीका को टारगेट कर सकते हैं और बहुत सारी चीज वहां मिलती है, जैसे कि सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, दोनों का बहुत बड़ा मार्केट है यूरोप एंड अफ्रीका, आप इजीली सप्लाई कर सकते हैं वहां से। दोबारा सुन लीजिए, सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, लेदर, कॉपर, वूल के प्रोडक्ट्स, दोस्तों एक बड़े लेवल से आप मार्केट में जा सकते हैं, यानी कि आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, इंपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर आपकी फूड प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कुछ भी लगाई तो नियर बाई 4 to 5 कंट्रीज का मार्केट, बोलीविया, चिली, उरुग्वे, पैराग्वे, ब्राजील, इनकी आपस में बायलैटरल ट्रीटीज हैं, इजीली बहुत बड़े मार्केट में आप कब्जा कर सकते हैं। दोस्तों आज के टाइम पर हमको हमारे इन्वेस्टमेंट पे चाहिए बहुत ही जबरदस्त ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर हम आज 40 लाख 50 लाख करोड़ का बिजनेस स्टार्ट करते हैं और महीने का 20 लाख 30 लाख नहीं कमा रहे हैं, 30% रूल के साथ नहीं कमा रहे हैं, तो मतलब हम हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कहने के लिए तो बिजनेसमैन होते हैं, ऑफिस खोल के बैठे होते हैं, लेकिन इनकम आती है बहुत ही कम, जीरो। अगर आपको जीरो से टॉप पर जाना है दोस्तों, अगर आपको कमाना है, अगर आपको रियल में अपनी लाइफ चेंज करनी है तो मैसिव एक्शंस लेने होते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होता है। कल मैंने मनीषो में आपको अफ्रीकन कंट्री रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बारे में बताया था, जिसके बारे में लोग ही बहुत कम जानते हैं। अगर कोई ऑनलाइन सर्च करता है कॉन्गो के बारे में तो उनको इंफॉर्मेशन मिलती है DR कॉन्गो की,
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जिसको बोलते हैं कॉन्गो किन्शासा, लेकिन रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जिसको बोलते हैं कॉन्गो ब्राजविल के बारे में बहुत ही कम इंफॉर्मेशन है। आज आपके पास बहुत सारी मल्टीपल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं, आप बहुत सारे सेक्टर्स में जा सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, आज भी सबसे सेफ एंड सिक्योर बिजनेस है जिनको हम बोलते थे ट्रेडिशनल बिजनेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, सर्विस सेक्टर, इनमें जाइए आप और जम के पैसा बनाइए। पूरा वर्ल्ड आपका वेट कर रहा है कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। आपने देखा होगा हमारे बहुत सारे क्लाइंट वर्ल्ड वाइड अपने बिजनेस को लेके गए, इंडिया से बैठकर अब्रॉड में कमा रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अब्रॉड में अपना बिजनेस ले जाकर 4 to 5 कंट्रीज में अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं। अगर आज हमें हमारे देश को लोकल से वोकल बनाना है, हमारा मोटिव है हमारे देश को हम उतना आगे लेके जाएं, उतना आगे लेके जाएं जहां हमारे इंडिया के स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स के प्रोडक्ट लोकल प्रोडक्ट होते हुए वोकल हो, एक बड़े लेवल से ग्लोबल लेवल से सेल हो। दोस्तों 200 साल अंग्रेजों ने हमें हम पे रूल किया, क्यों? सारा कुछ लेके चले गए, सेम स्ट्रेटेजी। आज चाइना वर्ल्ड वाइड अपना बिजनेस क्यों फैला रहा है? इकोनॉमिकली रूल करने के लिए। दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर ओन प्रॉफिटेबल बिजनेस इन ट्रेडिशनल सेक्टर्स। आप भी जम के पैसा कमा सकते हैं। कोविड में सबसे ज्यादा चलने वाला बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट, या ऐसे बिजनेस जो किसी भी कोविड, किसी भी कैंसर, किसी भी रोड एक्सीडेंट में आपको रुकने ना दे, ऐसे बिजनेस जो आपका खड़ा करें इंडिस्ट्रिक्टेबल एम्पायर 30% रूल के साथ, मल्टीपल इनकम फ्लोज के साथ, यूनिवर्सल रूल 10, 20, 30% रूल के साथ, मतलब आपका पैसा आपके लिए पैसा बनाता ही रहे। तो दोस्तों शुरू करें प्रॉफिटेबल बिजनेस। आई एम ऑलवेज विद यू गाइस, सी यू सून इन नेक्स्ट एपिसोड।